So, hello there, कैसे हो? Welcome back from another new video. तो भाई आज की वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला अपडेट्स के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोगों में बताने वाले जो नेक्स्ट आने वाले पास अपडेट के अंदर आप लोगों को देखने मिलने वाला है। आज की वीडियो में बताने वाले इस आने वाले इवेंट का डेट क्या आने वाला जो 12 से लेकर के 18 अगस्त के बीच चलने वाला है, साथ ही कुछ क्रिकेट रिवार्ड्स एंड बहुत सारे हमारे गेम के आने वाले इवेंट जिसके बारे में बात करने वाले, साथ ही आने वाले नेक्स्ट पैच अपडेट्स रिलेटेड कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं। तो वीडियो को वैसे जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर इस वीडियो को, ज्यादा लाइक टारगेट मैं नहीं देने वाला हूँ, बट आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलो इसके साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमारे गेम के आने वाला जो सुपर हीरो इवेंट है जो 12 से लेकर के 18 अगस्त की बीच यहाँ पे चलने वाला है। इस वाले बैनर के अंदर आप लोग देखने वाले अंदर तो आप लोग को दो गनर्स के यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिसके गनर्स के यहाँ पे क्रिएट्स हैं। तो ये जो इवेंट हमारे गेम के 12 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाला है। आने वाले इस वाले इवेंट के बाकी के जितने सारे रिवार्ड्स अंदर आने वाले इवेंट है जिसके बारे में फटाफट यहाँ पे बात कर लेते हैं। बेसिकली तीन बर्लर्स है, तीनों बर्लर्स को एक रिंग इवेंट के ग्राफी पर आप सभी को लाकर देने वाला है हमारे इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के अंदर। बात करने वाले आने वाले हमारे गेम के जो इवेंट का रहने वाला है डेट, जिसके बारे में आने इस वाले रिंग इवेंट का डेट क्या रहने वाला, तो देखो हमारे गेम के 11 अगस्त को हमारे गेम के समराय इवेंट आने वाला है। समराय इवेंट का जो है हमारे गेम का रिंग इवेंट 11 अगस्त को ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो ज्यादा यहाँ पे चांसेस है कि भाई इस वाले रिंग इवेंट को ग्राफी पर हो सकता है आप लोग को 14 से हमारे गेम के 16 अगस्त के बीच आप लोग को लाकर दे सकता है। देखो बैनर एड नहीं हुए जिस वजह से डेट कन्फर्म है, लेकिन 14 से 18 अगस्त बीच आ सकता है इवेंट है। न्यू इवेंट के साथ न्यू रिंग इवेंट आने वाला हमारे गेम का। तो और अभी हम लोग बात करने वाले हमारे गेम के अंदर आने वाला हमारा नेक्स्ट स्पेशल एनिमेशन के बारे में, कि आप में से काफी सारे लोगों का फेवरेट एनिमेशन भी बन चुका है। जी हां दोस्तों, हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस रेड कार्पेट फोकस वाला एनिमेशन के बारे में। सच में सिर्फ आप लोगों का ही नहीं, मेरा भी ये वाला एनिमेशन काफी ज्यादा फेवरेट बन चुका है। दोस्तों इस एनिमेशन के अंदर एक रेड कार्पेट, लिटरली एक रेड कार्पेट बिछाया जाता है और जिसके ऊपर जब हमारा कैरेक्टर चलता है ना, आप लोग को ऐसा लगता है हम कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ये देखिए स्वैग, देखिए ये है जी रोला, ये है तब तबा, इसे बोलते हैं असली क्रेज, कैसे आते हैं लेजेंड्स। बस बोल देना अपने पापा जी, तेरी भी पप्पी ली मैंने। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस बैनर के अंदर प्रेजेंट दूसरा आइटम के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये जो गन आप लोग देख रहे हो ना, ये हमारे गेम के अंदर OV46 अपडेट में आने वाला है। लुक से तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि एक शॉर्ट गन है, लेकिन आप लोग ये बात जान के बहुत ज्यादा हैरान रह जाओगे ना। इसके अंदर आप लोग को M1887 जैसे दो गोले देखने के लिए मिलेंगे, नहीं MAC-7 जैसे 6-7 गोले देखने के लिए मिलेंगे, नहीं M10 जैसे बहुत सारे गोले देखने के लिए मिलेंगे, वो भी नहीं। तो इस न्यू शॉटगन के अंदर पूरा का पूरा एक गोली रहेगा। सॉरी मजाक की बात नहीं है, वैसे मजाक को थोड़ा साइड में रखते हैं। में ये जानकारी ना गन्ने वालों ने मुझे नहीं दिया है कि इसके अंदर एक गोली रहेगा, 10 गोली रहेंगे, 6 गोली रहेगा, कुछ भी नहीं बताया गन्ने वालों ने। लेकिन इस वाले गन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर आप लोग का एक गोली ही रहेगा, जैसे पबजी के अंदर भी आप लोग को एक गोली वाला एक शॉट गन देखने के लिए मिलता है। वैसे फोर्टनाइट के अंदर भी इसके जैसा हुबहू दिखने वाला एक शॉट गन है कि एक ही टाइम में सिर्फ एक ही बार फायर करता है, दूसरी बार फायर करने के लिए आप लोग उस गन को रिलोड करना पड़ेगा। लेकिन इस गन का एक गोली इतना ज्यादा पावरफुल होगा, अगर इसको आपने गलती से आपके एनिमी के ऊपर चढ़ा लिया तो आपका में सीधा लॉबी भाग जाएगा। निकल ले भाई तू, चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। सबसे पहले ये हो जाते आप लोग का गेम के अंदर आने वाला न्यू कैरेक्टर, क्या लगता है ये केली भाभी की जगह ले पाएगी? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बाकी बात करें मोहतरमा की जादुई शक्तियों के बारे में, तो वो मुझे नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, इसकी एबिलिटी को जानने के लिए आप लोग को R1 सर्वर का ओपन होने का इंतजार करना होगा।